मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं के साथ वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। मई से एक ताज़ा मामले में अमेरिका से लौट रही महिला के साथ फ्लाइट में बैठे हुए एक पैसेंजर द्वारा गलत हरकत करने का मामला सामने आया, जिस पर से पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला यह है कि एक महिला निजी काम से अमेरिका गई हुई थी और उसके बाद वह अमेरिका से फ्लाइट पकड़ने के बाद उदयपुर पहुंची। उदयपुर से इंदौर शहर आने के लिए इंडिगो फ्लाइट से शहर में आ रही थी कि तभी महिला के पीछे वाली सीट में बैठे हुए व्यक्ति द्वारा कुछ गलत हरकत की गई, जिसका महिला ने प्लेन में ही विरोध किया और सिक्योरिटी गार्ड और अन्य प्लेन के कर्मचारियों की इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पूरे मामले में सुरक्षा के लिहाज से महिला को समझाइश दी गई और उसके बाद जब महिला एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसने पूरे मामले में पुलिस को शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने IPC की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही प्लेन की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों से महिला की पिछली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति की जानकारी लेने की बात कही गई है और इस आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ रोड पर तो हमेशा हरकत सामने आती है, लेकिन जिस तरह से उड़ते हुए प्लेन में अज्ञात बदमाश ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वह प्लेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल निशान खड़े कर सकता है। ये जो महिला जो पैसेंजर है जो कि इंडिगो एयरलाइन से आ रही थी, उसके जो अमेरिका में जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ले रही थी अमेरिका से उदयपुर, उदयपुर से फिर इंदौर आ रही थी, तो उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके जब वो सीट पर बैठी हुई थी उसके पीछे पैसेंजर के द्वारा उसको टच किया गया, तो इस आधार पर IPC सेक्शन 354 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। अभी फिलहाल इंडिगो एयरलाइन से ये जानकारी ली जा रही है कि उस पर्टिकुलर जो सीट थी उसमें कौन पैसेंजर था और उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, उसके आधार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या इस महिला ने फ्लाइट के सिक्योरिटी को और भी कंप्लेन की थी या इंडिगो को? ये इसके तरह बताया गया था कि उसने क्रू को भी बताया था और सिक्योरिटी को भी बताया गया था, फिर उसके बाद वो थाने आई है, तो थाने पर उसकी रिपोर्ट के आधार पर FIR रजिस्टर की गई है और उसमें आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन आई तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।